हे गाइस नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपको कराऊंगा गुड़गांव के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन, गुड़गांव के सेक्टर 59 में आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट विजिट को। जी हां, आज मैं आपको पिरामिड ग्रुप के अंडर कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पिरामिड मिड टाउन की साइट विजिट कराऊंगा जो गुड़गांव के सेक्टर 59 में है। आज मैं आपको अपनी साइट विजिट गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर बने रैपिड मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55-56 से अपनी साइट विजिट को स्टार्ट कर रहा हूं और पहुंचूंगा अपनी साइट सेक्टर 59 में मिड टाउन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह रैपिड मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55-56 जो गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर है। और गोल्फ कोर्स रोड जो है यहां पर एंड होते हैं, जिस पॉइंट पे गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे और हमने यहाँ से राइट टर्न कर लिया है और अब हम लोग जो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आ गए हैं। गोल्फ कोर्स रोड से आकर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर राइट टर्न करने के बाद में लगभग हम लोग 400 मीटर चलेंगे और उसके बाद हम लोग जो है लेफ्ट टर्न लेंगे और हमने इस पॉइंट से जो है लेफ्ट टर्न ले लिया है। हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 58 है और राइट साइड में सेक्टर 60 है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से लेफ्ट लेने के बाद में हमें लगभग 1 किलोमीटर चलना है और उसके बाद हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और ये वो पॉइंट आ गया है जहां से हमें लेफ्ट लेना है और हम लोग यहां से लेफ्ट टर्न करते हैं। लेफ्ट टर्न करने के बाद में ये एक रेवेन्यू रास्ता है आज का, बट ये फ्यूचर में जो है एक 24 मीटर वाइड रोड होगा। और ये है हमारे राइट साइड में अपनी साइड पिरामिड मिड टाउन। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 59 में और अपने प्रोजेक्ट पिरामिड मिड टाउन पर। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर दिनेश कुमार जी और मिस्टर ब्रह्मदत्त जी हैं। ये कंपनी 2014 से अफोर्डेबल के अंदर काम कर रही है। 2014 से अभी तक ये लोग टोटल 11 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लेके आ चुके हैं। इसके अलावा ये एक प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं सोहना में। इनके जो 11 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनका नाम है पिरामिड अर्बन होम सेक्टर 78, पिरामिड अर्बन होम सेक्टर 86, पिरामिड अर्बन 67A सेक्टर 67A, इसके अलावा पिरामिड फ्यूजन होम सेक्टर 70A, पिरामिड प्राइड सेक्टर 76, पिरामिड इलीट सेक्टर 86, पिरामिड हाइट सेक्टर 85, पिरामिड अर्बन होम एक्सटेंशन सेक्टर 86, इसके अलावा पिरामिड अल्तिया सेक्टर 70, पिरामिड इन्फिनिटी सेक्टर 70 और ये 11वां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि गुड़गांव के सेक्टर 59 में है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट पिरामिड मिड टाउन के बारे में। पिरामिड मिड टाउन इसका लाइसेंस जो है कमांडर रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। ये प्रोजेक्ट 5.6927 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 133 है जो इनको 16 दिसंबर 2019 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल
12 फरवरी 2020 को मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 14 है जो इनको 2020 में मिला हुआ है। पिरामिड मिड टाउन इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 824 अपार्टमेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK के 4 टाइप के अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट में टोटल 8 टावर हैं जिसमें से आपका जो टावर नंबर 5 है जो G+7 फ्लोर का है, टावर नंबर 6 जो है वो G+6 फ्लोर का है और बाकी सारे टावर जो हैं वो G+14 फ्लोर के हैं। इसमें जितने भी टावर हैं उनमें एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और प्राइसेस के बारे में। पिरामिड मिड टाउन के अंदर टोटल 4 टाइप के 2 BHK अपार्टमेंट हैं। इसमें जो 2 BHK टाइप है जिसके अंदर टोटल 404 अपार्टमेंट हैं, इसका जो कारपेट एरिया है वो 591.15 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,14,600 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप बी जिसमें टोटल 210 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 580.54 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,72,160 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप सी जिसके अंदर टोटल 105 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 578.27, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,63,080 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप डी इसके अंदर टोटल 105 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 598.53 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,44,120 रुपीज़ है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है उसमें आपको बुकिंग के टाइम पे आपको 5% अमाउंट देना होगा। इसके बाद आपको अलॉटमेंट पर आपको 20% का पेमेंट और करना होगा। इसके बाद जो बैलेंस 75% की पेमेंट है वो आपसे 3 साल के अंदर लिया जाएगा, जो 12.5% की इंस्टॉलमेंट होगी, जो हर 6 महीने के अंदर आपको 36 महीने में देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड मिड टाउन प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में। पिरामिड मिड टाउन प्रोजेक्ट जो है वो जैसा मैंने आपको बताया ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन एरिया भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और इसमें हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2-व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग दी जाएगी। इसके अलावा 4-व्हीलर की पार्किंग के लिए भी सफिशेंट स्पेस है। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। पिरामिड मिड टाउन जो है वो गुड़गांव के सेक्टर 59 में है। इस प्रोजेक्ट के पास में ही आपका जो है टाटा का रायसीना अपार्टमेंट, इसके अलावा आपका महिंद्रा का लुमनायर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा पास में ही आपका आईरियो का ग्रैंड आर्क और इसके अलावा अदानी और ब्रह्मा ग्रुप का शमशारा अपार्टमेंट है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी जो है वो एक 24 मीटर रोड से है और यहाँ से जो 84 मीटर वाइड रोड जो है सेक्टर रोड है वो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो नीरस्ट मेट्रो स्टेशन है वो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है वो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गोल्फ कोर्स रोड जो है यहाँ से गोल्फ कोर्स होते हुए सैबचरी जाने के में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है। और गाइस, अब मैं आपको जो है इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट को दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है काम। आज जो है इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, आज 8 अप्रैल को इस प्रोजेक्ट का जो करंट स्टेटस है वो मैं आज आपको दिखा। पाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया है और सारे टावरों में काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कंपनी का प्लानिंग है कि इस प्रोजेक्ट का पोजीशन जो है वो कंपनी बिफोर टाइम दे। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।